हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी नेचुरल खुशी। आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ, आप अपने बालों को घर पे बारगंडी कलर कैसे कर सकते हो। अगर आपके बाल वाइट हेयर की प्रॉब्लम है तो वाइट हेयर भी कवर कर सकते हो और अपने बालों को रेड कलर भी कर सकते हो। तो ये मैं तीनों चीज़ आपको बताऊँगी और अपने बालों को शाइनी सिल्की स्मूथनिंग भी कैसे बना सकते हो। और आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो भी अपने बालों को बहुत ही अच्छा सा कलर दे सकते हो, कल उसको रोक भी सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो हमने जो हाथ में लगाया तुरंत से कितने ज़्यादा डार्क कलर आया, ऐसा ही शेड आपके बालों में भी आएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हो हमने लिया है अनार। अनार तो सबके घर पे होता ही है, खाते हो आप लोग, तो आप लोग इसका फल केवल जो इसके बीज हैं वो खा लीजिए। इसका छिलका हमें यूज़ करना है क्योंकि छिलका तो हम फेंक देते हैं वैसे भी। अगर एक बार यूज़ करके देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे हमने लिया है अनार का छिलका। अनार के छिलके में ऐसे विटामिन्स होती हैं जिससे कि हमारे वाइट हेयर की जो प्रॉब्लम होती है वो रिमूव होती है और हमारे बालों में शाइनी आती है और चमक अच्छा सा आता है। फिर हमने लिया है लौंग के दाने। लौंग के दाने से हमारे बालों का जो ग्रोथ होता है वो फास्ट हो जाता है और काफ़ी हद तक हमारे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। थर्ड हमने लिया है मेथी दाना। थर्ड जो है वो मेथी दाना है। मेथी दाना जो आपके बालों को अच्छा सा रीग्रोथ करता है और आपके बाल जो झड़ रहे हैं उनको रोकता है, दो मुंहे बालों की प्रॉब्लम को भी ये रोकता है, काफ़ी सारे इसके बेनिफिट होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक गिलास पानी। आप ज़्यादा दिन के लिए बना कर रखो तो ज़्यादा पानी ले सकते हो। फिर हमने लिया यहाँ पे एक अनार का छिलका। फिर उसके बाद से जो हमने लिया था लौंग का दाना, मेथी का दाना, वो सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड कर लेनी है। तो मेथी दाना आपको अराउंड 1.5 चम्मच के लेना है, तो यहाँ मैं हाथ से ही डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच हमें डालना है। फिर उसके बाद से हमें डालना है लौंग। जिनको बहुत ज़्यादा बारगंडी कलर चाहिए वो इसमें थोड़ा सा चाय का पत्ती डाल दें, मतलब कि चाय की पत्ती 1.5 चम्मच होना चाहिए। और जिनको बालों को काला करना है वो स्टील के बर्तन में नहीं बल्कि आयरन के बर्तन में, मतलब कि लोहे के बर्तन में इसको उबालें। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी आयरन इसमें अच्छे से मिल जाएगा ना, तो आपके जो वाइट हेयर की प्रॉब्लम है वो वाइट हेयर की प्रॉब्लम धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी और इससे आपके वाइट हेयर भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद से आपको इसको रख के अच्छे से उबाल लेना है 5 से 7 मिनट। इसका जब भी पानी आधा हो जाएगा उसके बाद गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेथी दाना जो हमारा हो वो अच्छे से फूल चुका है। इसको लगाने से आपके बालों में ना ड्राइनेस होगा, ना ही आपके बाल झड़ेंगे, ना किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको छान लेते हैं। छानने के बाद से इसका हल्का हल्का ठंडा होने का वेट करेंगे, जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद से आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देती हूँ कि इसको आप सीरम के जैसे भी अपने बालों में यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर शैम्पू कर चुके हो तो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हो। आपको इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होगा, ना ही चिपचिपा होगा, ना ही आपको ऐसा भारीपन लगेगा और इसमें से स्मेल भी आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो ये है ठंडा हो चुका है। तो आप इसको अगर ऐसे ही मतलब स्प्रे वाले बोतल में भर के चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। और जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको लेना है इसके अंदर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इसमें आपको 1 चम्मच लेना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी आपने बना रखा है तो उसमें 2 चम्मच भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद से इसको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद से इसमें जिनके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्केल में खुजली वगैरह है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि लेमन लेना है। लेमन की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, थोड़ा सा ही क्वांटिटी लेना है इसके लिए, ताकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा तो हमारे बाल जो है वो झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा क्वांटिटी लिया है। अब इनको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हो इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, तो हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। फिर इसको अपने, अगर आपके पास स्प्रे वाला बॉटल है तो आप उससे लगाइए, नहीं है तो आप कॉटन की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं। जैसा कि आप ऑयल लगाते हो वैसे इसको नाइट में लगा लीजिए। फिर उसके बाद से सुबह में अपने बालों को अच्छे से धो लीजिए, जैसा कि स्प्रे बॉटल में देख रहे हो, ऐसे ही भर के अच्छे से अपने बालों में जड़ से लेके पूरे लेंथ तक लगाना है। सो इसको अगर आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा सा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। सो चलते हैं हम अपने अगले रेमेडी के तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है नीसा मेहंदी।
आप कोई भी मेहंदी ले सकते हो, हिना, निशा, नेपुर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। फिर उसके बाद से हमने इसको निकाल के रख लिया है। ये ज़्यादातर बहुत ही अच्छा सा कलर करने में हेल्पफुल होता है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और शाइनिंग भी आता है। तो यहाँ पे हमने लिया है जो हमने पानी बना के तैयार किया था उसको, इसको हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो भी केमिकल वाली चीज़ें होंगी उस सारी केमिकल वाली चीज़ें थोड़ी इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और हमारे बालों में हार्श नहीं होगा और हमारे बालों का हेयर केयर भी हो जाएगा इस पानी से। और जिनको बहुत ज़्यादा डार्क बारगंडी कलर चाहिए या फिर रेड कलर चाहिए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप चाय का पत्ती उसमें डाल के अच्छे से उबाल लीजिएगा। और जिनको बारगंडी कलर चाहिए वो इसमें थोड़ा सा चुकंदर का जूस डाल दें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद से लेमन डालेंगे हम थोड़ा सा, ताकि हमारे स्कैल में खुजली वगैरह ना हो, डैंड्रफ वगैरह ना हो, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है तो हमारे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हम इसमें यहाँ पे लेमन डालेंगे। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम इसको बनाएंगे ताकि हमारे बालों में साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी ना हो और अच्छा सा रिजल्ट भी मिले। तो चुकंदर को आपको ऐसे कद्दूकस करके उसका जूस नहीं निकाल के डालना है। चुकंदर को आप अच्छे से छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए या फिर मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। उसका जूस निकाल के पानी में डाल के उसको अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद से उसका पानी निकाल लीजिए। तो मैंने ऐसे ही करके निकाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है इसके लिए मैं इसको कुछ कुछ चीज़ें स्किप करके आप लोगों को केवल बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब ये आपका अच्छे से मिक्स हो जाए फिर उसके बाद से आपको 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रखना है। अगर टाइम हो तो ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से ऐसे पॉलिथीन से कवर करके रख देना है ताकि इसमें कोई भी ऑक्सीजन बाहर से ना आए और इसका ऑक्सीजन निकले भी ना। जब ये आपका 2 घंटा हो जाए या फिर ओवरनाइट हो जाए फिर उसके बाद आप खोल के देखोगे कि इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। तो इसको लगाने का जो तरीका है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अपने बालों को शैम्पू कर लेना है 1 दिन के पहले या 2 दिन के पहले। ऑयलिंग नहीं होना चाहिए आपके बालों में ताकि कलर अच्छे से आए आपके बालों में। अगर ऑयलिंग रहेगा तो कलर अच्छे से नहीं आएगा। लगाने के 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ही अपने बालों को अच्छे से धोना है या 3 घंटे के बाद। सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 घंटे के बाद निकाला, कितना अच्छा सा कलर हो गया, कितना प्यारा शेड दिख रहा है। तो ऐसे ही आपके भी बालों में कलर आएगा। फिर 2 घंटे के बाद आपको धोना है सादे पानी से, शैम्पू वगैरह से नहीं धोना है। जब आप धो लोगे फिर नाइट में आपको अच्छे से हैवी ऑयलिंग करनी है, दूसरे दिन आपको शैम्पू करना है। इससे आपके बालों में कलर लॉक होगा, शैम्पू करने से निकले।